आयुक्ताय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधार सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है आइए आज हम करते हैं नेट जे के स्टीरियो केमिस्ट्री के, के क्वेश्चंस और ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो रिएक्शंस के नेम रिएक्शंस के साथ स्टीरियो केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है उन क्वेश्चन को भी हम ईजीली कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं आइए जो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है वो दो मार्क्स का है और देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है इन्होंने पूछा है कि ये दो आइसोमर्स या कॉन्फार्मर्स दिए गए हैं और इनसे इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर और हमें पता करना है कि करेक्ट ऑप्शन जो आंसर का है वो कौन सा है इनमें से तो देखते ही जो हमें सबसे पहले पता पड़ता है कि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं एक्स और वाई इनमें सिर्फ ये फ़र्क है कि ये जो एक्स में सी एच थ्री और सी एच थ्री जो हैं वो 180 डिग्री ऑपोजिट हैं और इसी तल पर हैं जिस तल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी तल पर ऑन द प्लेन है ये जो हाइड्रोजन है वो इस तल से उभर कर हमारी ओर और, और ये जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन या तल से नीचे या तल से के दूसरी ओर हमसे दूर है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो वाई आइसोमर वाई कॉन्फॉर्मर है इसमें ये सी एच थ्री इस प्लेन से जिस तल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये जहाँ पर ये स्क्रीन आपको दिख रही है उससे ऊपर उभर कर हमारी ओर है और ये जो सी एच थ्री है ये ऑन द प्लेन या इस तल पर ही स्थित है ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों सी एच थ्री हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री के तो डिग्री के दूरी में है दिशाओं में है और ये एक दूसरे के एंटी हैं जबकि यहाँ ये तल से उभरा हुआ ये और ये तल पर ये एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर कोण पर है और ये कहता है कहलाता है गौशे कॉन्फॉर्मर इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये जो बड़ा ग्रुप क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल के तुलना में हाइड्रोजन से अगर हम कंपेयर करें तो सी बड़ा ग्रुप है तो ये दोनों सी जो है एकदम वन एटी अपोजिट डायरेक्शन में है एंटी है और ये इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन सबसे कम होगा तो ये स्थाई होगा दूसरी बात ये है कि ये सी एच ट्री और ये वाला सी एच ट्री जो है वो सिक्सटी डिग्री एक दूसरे के साथ इनके तल बनाते हैं इस वजह से ये इन दोनों ये दोनों जो हैं इन दोनों की तुलना में ये पास पास हैं और इसी वजह से इनके बंधों के इलेक्ट्रॉन्स इनके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करते हैं और साथ ही क्योंकि ये दोनों ग्रुप आसपास हैं 60 डिग्री के एंगल पे प्लेन पर हैं ये तो इनका स्टेरिक रिपल्शन भी या त्रिविम जो प्रतिकर्षण है वो भी ज्यादा होगा इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं व्हाट आर द ऑप्शन गिवन स्टेटमेंट्स क्या दिए हुए हैं हमारे पास लिखा हुआ है ए इज मोर स्टेबल ए दैट इज एक्स इज मोर स्टेबल देन वाई एक्स जो है वाई की तुलना में एक्स ज़्यादा स्टेबल है ये बात सही है क्योंकि ये दोनों वन एटी डिग्री अपोजिट में है सी एस टी ग्रुप्स एंटी हैं और इनके अंदर रिपल्शन कम है तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हुआ तो दूसरा स्टेटमेंट है वाई इज़ मोर स्टेबल दैन एक्स तो वाई जो है वो एक्से स्टेबल है नहीं क्योंकि ये दोनों गौश इंटरेक्शन में है एक दूसरे में इनके रिपल्शन इसकी तुलना में ज़्यादा है तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो जो बी है दैट इज रॉन्ग तो तीसरे स्टेटमेंट पर आते हैं मिथाइल ग्रुप्स आर आ, इन एक्स आर एंटी तो मिथाइल ग्रुप्स जो एक्स में है ये एक्स है इसके मिथाइल ग्रुप्स जो है वो एंटी में है अभी बताया था कि एक सौ अस्सी डिग्री के आ, एंगल पे कोण पे ये दोनों हैं एक विपरीत दिशा में तो थर्ड स्टेटमेंट जो सी है वो राइट है अब देखते हैं डी डी में कहा गया है मिथाइल ग्रुप्स आर इन वाई आर गौशे वाई में जो ये है गौशे हैं गौशे इसलिए हैं क्योंकि 60 डिग्री के एंगल पे हैं ये तल पर है ये तल से उभर कर आया हुआ है हमारी तरफ 60 डिग्री के एंगल पे सो so, जो चौथा स्टेटमेंट दैट इज डी इज़ आल्सो करेक्ट तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इन चारों में से वो है ऑप्शन नंबर फोर जिसमें ए सी और डी करेक्ट बताए हुए हैं सो इट वॉज क्वाइट ईजी दो मार्क्स का क्वेश्चन था आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी दो मार्क्स का है और इसमें पूछा गया है कि ये एक और ये दो दो कॉन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं जिसमें एक्स एक जगह एक्सीयल पे है और यहाँ पर इक्वेटोरियल पे है और ये जो एक्स है वो इन तीनों में से कोई भी ग्रुप हो सकता है अब इन्होंने पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैल्यूज़ व्हाट इज़ ए वैल्यू ए वैल्यू है डेल्टा जी का मान जो है वही ए वैल्यू को तय करता है एक्सियल uh, का फ्री एनर्जी और इक्वेटोरियल के फ्री एनर्जी में जो अंतर है वह तय करता है ए uh, वैल्यूज़ और ए वैल्यू जो है न्यूमरिकल वैल्यूज़ हैं ये और ये जो काम में आते हैं कि पता करने की कौन से सबसे ज़्यादा स्टेबल ओरिएंटेशन या कॉन्फॉर्मेशन या ये जो समूह लगे हुए हैं वो कौन सा जो कौन आइसोमर होगा जिन जिनकी समूहों की दिशा कौन सी होगी जो उनको स्थाई बनाते हैं उसको पता करने के लिए ए वैल्यूज़ को पढ़ा जाता है या उनको जाना जाता है अब एक बार को मान लीजिए कि हमें मैंने तो यहाँ पर आपको ये जो ए वैल्यूज़ हैं वो दिए हुए हैं पी का थ्री है सी एच थ्री का वन पॉइंट सेवन और सबसे कम है सी एन ग्रुप का मान लीजिए कि आपको ये याद नहीं है तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए अगर हम इनको देखें तो एक्जियल में अगर पी एच है तो पी एच यानी सी सिक्स एच फाइव कितने एटम्स हैं टोटल ग्यारह एटम्स हैं बड़ा सा ग्रुप है ये और इसके एक्जियल और इक्वेटोरियल पोजिशन में अंतर ज़्यादा होगा एक्जीएल में आते अनस्टेबल कर देगा और इक्वेटोरियल में ये जो है ज़्यादा स्थाई होगा क्योंकि यहाँ पर इसका रिपल्शन जो स्टेरिक रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इस पोजीशन में इक्वेटोरियल में ज़्यादा है तो कुल मिला के हम ये मान लेते हैं कि ए वैल्यू का मान ये है कि कितना उसके अंदर रिपल्शन ज़्यादा होगा अगर वो एक्सियल में होगा या अनस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी अगर ये मान के हम चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास यानी सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी जो होगी पी एच यानी ए वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा होगी उसके बाद हम देखते हैं जैसे सी एच थ्री सी एच थ्री में चार एटम्स हैं और सी एन में दो एटम्स हैं तो जितने ज़्यादा एटम्स होंगे जैसे इसके अंदर हैं सी सिक्स एच फाइव यानी इसके अंदर ग्यारह एटम्स हैं तो एटम्स की संख्या ज़्यादा है तो जगह भी ज़्यादा घेरेगा जगह ज़्यादा घेरेगा तो ए का वैल्यू ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा हाई होगा पी एच का जो कि यहाँ है उसके नेक्स्ट होगा एम ई का जो कि ये रहा और सबसे कम होगा सी एन का क्योंकि उसमें सिर्फ दो एटम्स हैं सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर और इसका लॉजिकल डिटेक्शन यही मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एटम्स उसमें ग्रुप में कितने हैं उनकी संख्या कि नहीं है और उससे हमको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा जगह वो घेरेगा और एक मान उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा होगा सो द आंसर वॉज ऑप्शन नंबर फोर जो कि काफ़ी ईजी था डिडक्ट करना आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दो मार्क्स के लिए है फिर दोबारा और इसमें ये हमको एक कंपाउंड दिया हुआ है ये मैंने इसका मिरर इमेज बनाया है तो इसको मत देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और ये पूछा है कि एच ए और एच बी ये इन चारों में से कौन सा सही है उनके लिए क्या ये इन ट्रॉपिक हैं एनैशियो का मतलब है कि अगर एच ए और एच बी में ये क्योंकि दोनों एक जैसे हाइड्रोजन हैं हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं ये दोनों इनमें से किसी एक को हमने अगर कोई ग्रुप मान लीजिए एक्स से रिप्लेस कर दिया हो तो यह है जो कार्बन है ये वाला जो कार्बन जिससे ये एच ए और एच भी जुड़े हुए हैं ये कार्बन उस स्थिति में काडल कार्बन हो जाता है ए सीमेट्रिक कार्बन हो जाता है तो ऐसे में जैसे वो ए सीमेट्रिक कार्बन हो जाएगा एक बार हमने ए को रिप्लेस किया एच ए को रिप्लेस किया एक्स से दूसरी बार हमने एच ए को तो रहने दिया जैसा है और एच बी को रिप्लेस किया एक्स से अगर ये दोनों यौगिक जो एक बार इस हाइड्रोजन को दूसरी बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद जो प्राप्त होंगे अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे तो वो होगा इनशियोटॉपिक अगर उनमें कोई अंतर नहीं आता होगा तो होगा होमोटॉपिक अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं होंगे लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर होंगे यानी प्रकाशिक समाव्य तो होंगे लेकिन प्रतिबिंब रूप मिरर इमेज नहीं होंगे तो वैसी स्थिति में वो एनर्जी टॉपिक कहला डायस्टिव टॉपिक कहलाएंगे और अगर ये जो दोनों हाइड्रो सॉरी ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये अलग अलग समूहों से जुड़े हुए हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो ऐसे या अलग अलग केमिकल ग्रुप से जुड़े हुए हैं ऐसे में उसको कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनली हेट्रोटॉपिक तो पहले देखते ही देखते ही इस कंपाउंड को ये तो पता पड़ जाता है कि ये तल से उभरा हुआ है ये तल से उभरा हुआ है तो ये मॉलिक्यूल अपने आप में एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो एक जो इसमें असम्यता या ऑप्टिकल एक्टिविटी या कारल एक्टिविटी होगी वो इस मॉलिक्यूल के खुद के और सब होने के क्योंकि ये साइड उभरा हुआ है ये साइड भी उभरा हुआ है और ये जो मॉलिक्यूल है ये किसी भी हालत में ये दोनों हिस्से इसके और ये वाले हिस्से ये हिस्सा ऊपर वाला और इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है क्यों क्योंकि अगर आपको डिटेल में फिर मतलब कल्पना अगर नहीं कर पाए तो भी आप ये देख लीजिए कि इसमें जो सी एच टू ओ एच ग्रुप है ये सी एच टू ओ एच है ये भी सी एच टू ओ एच है तो आप देखें जो इस ऊपर वाले हिस्से में सी एच टू ओ एच जो जुड़ा हुआ है वो उस रिंग से जुड़ा हुआ है जो इस इस प्लेन पर है ऑन द प्लेन और ये जो आ, रिंग है ये प्लेन से उभर कर हमारी ओर है और इस पर सी एच टू ओ एच जुड़ा हुआ है तो ये जो ऊपर वाला जो सी एच टू ओ एच है मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर दो हिस्से में इस तरह से बांटते तो ये ऐसे बांटे तो ये जो सी एच टू ओ एच है और ये सी एच टू ओ एच है ये एक तल पर नहीं है क्योंकि ये तल से उभर के आया हुआ है उस रिंग में उसके समान समान है और ये तल पर है उसके समान समान है तो ये मॉलिक्यूल तो किसी भी हालत में अगर ये सी एच टू है तो भी ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है और इसका ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन हैं और ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं इनको अगर हम रिप्लेस करते हैं किसी आ, किसी एक हाइड्रोजन को या इसके भी किसी एक हाइड्रोजन को किसी आ, दूसरे ग्रुप एक्स के द्वारा तो भी ये पूरा मॉलिक्यूल का जो आ, होगा ये आपस में ये आ, एक दूसरे के मिरर इमेज के स्थिति में नहीं आएंगे और अगर दूसरी बात ये है कि अगर हमने इसका मिरर इमेज निकाला देखिए मैंने इसका मिरर इमेज इस तरह से बनाया है और इसलिए आपको ये उल्टा नज़र आ रहा है एच ए और एच बी दिस इज एच ए दिस इज एच ए जो कि ये है और ये एच बी है जो कि ये है आप इसको आराम से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपने मिरर लगाया तो ऐसे में भी जो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे अध्यारोपित नहीं होंगे मिरर इमेज तो है एक दूसरे के अध्या ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे क्योंकि अगर इसको उठा के हमने इसके ऊपर रखा तो हम पाएंगे कि ये जो हिस्सा है वो यहाँ आके लगेगा और जो ये वाला हिस्सा है वो इस जगह पे आके इसके ऊपर ओवरलैप होगा जो कि एक दूसरे के मेरे इमेज ये जो है सुपर इम्पोजिबल एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे डायस्टेडियो टॉपिक होने के लिए क्या ज़रूरी है डायस्टेडियो होने के लिए ज़रूरी है कि आ, उस मोलिक्यूल के अंदर जो कायरल सेंटर नया क्रिएट हो रहा है उसके अलावा भी कोई कायरलिटी हो उसके अलावा भी कोई असमित केंद्र हो या असमितता हो और ये मोलिक्यूल इसी कंडीशन को फुलफ़िल करती है कि ये अगर हम किसी दूसरा ग्रुप एक्स से रिप्लेस कर दें ये कायरल सेंटर हो जाएगा इसके बावजूद इस पूरे मालिक्यूल में भी अपनी कारलिटी है जिस वजह से वह अपने मिरर इमेज में सुपर इम्पोज़ नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति जहाँ के मिरर इमो इमेज अपने आप में सुपर इम्पोज़ ना हो और मिर, ये आपस में ऑप्टिकल आइसोमर हो और उस मोलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा कायरलिटी के केंद्र हो तो वो आपस में डायस्टीरियोटॉपिक कहलाते हैं और वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स है स्टीरो आइसोमर्स है ये तो है ही तो इसीलिए जो ऑप्शन है वो डायस्टीरियोटॉपिक ही होगा इनशियो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मेरा इमेज एक दूसरे के ये टोटली नहीं है ये और दूसरा होमोटॉपिक क्योंकि ये सेम नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनली हेट्रोटॉपिक नहीं है तो दिस इज द आंसर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने सबसे पहले देखा कि रिएजेंट क्या है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए दो तीन बातें जान लें पहली बात है कि एन ए एच एम डी एस एन ए एच एम डी एस क्या है सोडियम हेग्जा मिथाइल डाइसेलाजाइड है तो और ये क्या है एक स्ट्रोंग बेस है और इसकी खासियत क्या है डी प्रोटोनेशन करता है और कैटलाइज uh, करता है रिएक्शन को और डी प्रोटोनेट खास तौर से ये कीटोन को करता है या एस्टर को करता है और इसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी बड़ा है और uh, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल uh, एक बात हमें ये भी जाननी चाहिए कि कोई न्यूक्लियोफाइल अगर बड़े आकार का हो तो और स्टेडिकली हिंडर्ड हो त्रिव्यम बाधित हो तो वह ऑपोजिट प्लेन से यानी ऐसे प्लेन से आक्रमण करेगा जहाँ त्रिविम बाधा कम हो तो ये बेस के बारे में हमने जाना जो कि बेस कैटलाइज कैटलिस्ट है ये और अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल के बारे में जाना कि स्टीरियो केमिस्ट्री वो ऐसी लेगा कि ऐसी जगह से आक्रमण करे ऐसी स्थिति से स्पेस में आक्रमण करे जहाँ त्रिविम बाधा कम हो तीसरी बात जो हमें जाननी है वो है टी एस ओ ओ टी एस ग्रुप जिसे कहते हैं उसके बारे में टोसाइलेट ग्रुप जो है ये टॉलवीन सल्फोनेट ग्रुप है वो इस प्रकार का है और इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप और ये देखिए इसमें सी सिक्स एच फोर है ये टॉलवीन वाला हिस्सा है ये सी एच थ्री जुड़ा हुआ है इसके साथ और सल्फोनिक एसिड पैरा टोलवीन सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है ये और एक बार जब ये निष्कासित हो जाता है इस रूप में आ जाता है तो ये काफ़ी स्टेबल होता है क्योंकि इसका जो माइनस चार्ज है इस पूरे रिंग में रेजोनेंस के द्वारा डिलोकलाइज हो जाता है जिससे ये एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह होता है अच्छा निष्कासित होने वाला समूह यानी निष्कासित होने के बाद वो स्टेबल हो और वापस आके अपने मॉलिक्यूल्स के से जुड़ने की कोशिश न करे उसका अपना ही स्टेबिलिटी स्टेबलाइजेशन का कोई सिस्टम उसके पास हो तो जो टोसाइलेट रूप है वो क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्टेबलाइज्ड है तो उसको निष्कासित होने में उतनी अनस्टेबिलिटी का सामना नहीं करना पड़ता तो आसानी से ये निष्कासित हो जाता है या एलिमिनेट हो जाता है और टी एस ओ माइनस टी एस ओ माइनस के रूप में ये स्टेबल होता है और सॉल्यूशन अपने मीडियम में रहता है तो ये हमने बात जानी आइए देखते हैं कि इस रिएक्शन से ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम कैसे बिना रिएक्शन मैकेनिज्म जाने भी हम या बिना रिएक्शन मैकेनिज्म का का हमें अगर मान लो उस वक्त हम भूल गए हों इसका रिएक्शन मैकेनिज्म या टाइम नहीं हो फिर भी हम किस तरह से लॉजिकल डिटेक्शन के द्वारा इसको कर सकते हैं देखिए जैसे ही आपने इन चारों चारों ऑप्शन को देखा तो ये देखा कि चारों ऑप्शन में ये जो एरोमेटिक रिंग है हेट्रोसाइक सॉरी हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग है ये ये चा, यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं आया पहली बात हमने नोटिस की तो इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ दूसरा हमने नोटिस किया कि यहाँ पर ये गुड लिविंग ग्रुप है ये चला भी गया है क्योंकि प्रोडक्ट में आ, टी एस ओ ग्रुप कहीं पर भी नहीं है तीसरी बात हमने नोट की कि ये जो कार्बन है और ये कार्बन है ये वाला कार्बन इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है यानी ये जो बेस है वो कीटोन को उसने डी प्रोटोनेट किया और यहाँ से प्रोटोन निकला है और ये जो प्रोटोन निकलने के बाद यहाँ एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है और तभी जाके इसमें और इस कार्बन में बॉन्ड बना है तो नया बॉन्ड कौन सा बना है नया बॉन्ड ये है ये है ये और ये नया बॉन्ड है जिसमें ये ऑक्सीजन रिंग है ये रहा जो यहाँ पर है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है कुल मिला के अगर हम देखें तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जहाँ इसमें इस, इस कार्बन में और इस कार्बन में बॉन्ड सी सी बना है जो कि ये बॉन्ड है और ये टोसाइलेट ग्रुप निकल गया है तो अब हमारा पूरा फोकस इसके स्टीरियो केमिस्ट्री होना चाहिए आइए देखते हैं कि हमने क्योंकि देखा है कि इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया है तो पहली बात यह है कि हम वो ऑप्शन देखते हैं और यहाँ पर भी इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है तो हम ये दोनों चीज़ें सही सलामत हों इन प्रोडक्ट में इसी रूप में हो जैसे यहाँ पर हैं वो देखते हैं क्योंकि इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया है तो ये देख रहे हैं कि ये देखिए ये, ये बिलो द प्लेन बिलो द प्लेन ये बिलो द प्लेन ये बिलो द प्लेन तो ये हो सकता है फिर ये आप देखें कि ये अबव द प्लेन हो गया ये बिलो द प्लेन हो गया तो उसका मतलब ये इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो उसका मतलब अबव द प्लेन ये कैसे हो सकता है तो ऑप्शन नंबर टू क्रॉस हो गया ऑप्शन नंबर थ्री पे देखते हैं कि ये बिलो द प्लेन है ये भी बिलो द प्लेन है तो ये आंसर हो सकता है और यहाँ देखिए ये अबव द प्लेन हो गया जबकि इसमें कोई फ़र्क नहीं आया है और ये बिलो द प्लेन है तो ये नहीं होगा अब हम आते हैं कि ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर थ्री में से कौन सा सही है अब देखिए कि यहाँ माइनस चार्ज आया था इस वाले कार्बन पर माइनस चार्ज आया था इस कार्बन पर माइनस चार्ज आया था और यह आक्रमण करेगा इस वाले आ, कार्बन पर और ये टोसाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा आक्रमण कहाँ से होगा देखिए ये जो ऑक्सीन रिंग है उसमें आप देख सकते हैं कि वो बिलो द प्लेन है एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को यहाँ माइनस चार्ज है ये रिंग जो है बिलो द प्लेन है तो ये एक बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर माइनस चार्ज क्रिएट हुआ क्योंकि H प्लस यहाँ से निकल गया जो इस बेस ने निकाल दिया है एन MdS एच एम डी एस ने और ये आक्रमण करेगा विपरीत दिशा से क्योंकि इसका साइज बड़ा है और तल के नीचे ये ऑक्सीजन रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर लिए हुए रिपल्शन करने के लिए तैयार है तो इसका जो होगा ये तल के अगर नीचे है तो ये तल के ऊपर से ये आक्रमण करेगा तो हमें ये ढूंढना है कि तल के ऊपर से आक्रमण करने वाला कौन सा है ये वाला है इसको सेकंड नंबर ऑप्शन को हमने पहले ही कैंसिल कर दिया था क्योंकि इसमें ये वाला जो बॉन्ड है ये अबव द प्लेन आ गया था जबकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया था तो जो थर्ड ऑप्शन है इसमें देखिए कि ये बिलो द प्लेन है और ये भी बिलो द प्लेन है तो ये जो बॉन्ड बनेगा बिलो द प्लेन तो बनेगा नहीं नया बॉन्ड जो ये दोनों कार्बन के बीच में बन रहा है दोनों मोइटीज़ के बीच में या दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बन रहा है वो अबव द प्लेन आक्रमण होकर ही होगा जो कि इसमें है क्योंकि बिलो द प्लेन आक्रमण अगर होता है जैसे यहाँ पर तो इसमें और इस पूरे न्यूक्लियोफाइल के अंदर जो इस पर आक्रमण कर रहा था उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो इस तरह से हम इस डिडक्शन पे पहुँचे तो आंसर नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर देखिए इसमें हमने कोई रिएक्शन नहीं है लेकिन फिर भी आपके क्लैरिटी के लिए और कॉन्फिडेंस uh, के लिए आइए इस रिएक्शन को कर लेते हैं देखिए ये हमारा स्टार्टिंग uh, मटेरियल था हाइड्रोजन यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है नीचे था और ये हमारा हेट्रो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है यहाँ पर और uh, ये सी एच टू सी एच थ्री था और इसमें जो ये वाला हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि वो सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है अब देखते हैं एन एमडीएस एच एम डी एस ने क्या किया प्रोटोन एक निकाल लिया और प्रोटोन निकालते ही यहाँ पर सी माइनस ये प्रोटोन निकल जाता है यहाँ सी माइनस चार्ज आ जा जाता है जो कि रेजोनेट इस तरह से होकर ओ माइनस यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का फिर दोबारा शिफ्ट हुआ और इसी जगह पे माइनस चार्ज नेगेटिव आके रुका जहाँ पर से प्रोटोन गया था और ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस टोसाइलेट लिविंग ग्रुप वाले में इसने देखिए इलेक्ट्रॉन्स ये मूव हुए शिफ्ट हुए यहाँ से माइनस आया और इसने अबाव द प्लेन इस ऑक्सीजन रिंग टोसाइलेट ग्रुप वाले जो कंपाउंड है उसके ऊपर जाके आक्रमण किया अबाव द प्लेन अटैक अटैक क्योंकि बिलो द प्लेन जो है ये ग्रुप है जिस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास नेगेटिव चार्ज है यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है रिपल्शन होगी तो अटैक ऊपर से ही संभव है अटैक ऊपर से संभव हुआ तो ये उ, ये मोटा वाला बॉन्ड बना देखिए क्योंकि ये उभर कर जो थिक बॉन्ड होता है वो उभर कर तल से उभर कर हमारी ओर आ रहा है ऐसा दिखाया जाता है प्रदर्शित किया जाता है और देखिए जो टोसाइलेट ग्रुप है ये आसानी से निकल गया तो इस तरह से हमको ये प्रोडक्ट मिला जो कि हमने करेक्ट ऑप्शन देखा था इससे पहले वाले स्लाइड में नेक्स्ट रिएक्शन करने से पहले आइए जान लेते हैं एन के बारे में एन यानी एन ब्रोमो एन ब्रोमो या शॉर्ट में एन ऐसा केमिकल रिएजेंट है जो कि सब्सिट्यूशन करवाता है और कई तरह के जो रिएक्शन हैं उसमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये हेलोजन के सब्सिट्यूशन के लिए काम में आता है यहाँ हम देख लेते हैं जो एन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा है ये हमें ध्यान में रखना है दूसरी बात है देखिए डबल बॉन्ड पर ये सब्सिट्यूशन कर रहा है या इसका एडिशन सीधे जाके हेलोजन इसके अंदर जुड़ रहा है और आप देख सकते हैं कि एक ब्रोमोनियम कैसा ब्रोमोनियम आयन साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है और उसके बाद आ, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अगर आक्रमण करता है तो जिस तल में ये ब्रोमो है उसके ऑपोजिट तल से आ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर ओ एच माइनस तो ओ एच माइनस जो है वो तल के नीचे से आके आक्रमण कर रहा है और जिससे ट्रांस प्रोडक्ट ये हेलोजन ये ओ OH और ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट प्लेन्स में ये तल से ऊपर ये तल से नीचे क्योंकि ये डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है आपको बताइए तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है इसको इस तरह से भी दिखाया गया है मान लीजिए साइक्लोहेक्गजी है उससे ये जो साइक्लिक ब्रोमोनियम कैटाइन हमको प्राप्त हुआ किसके द्वारा एन के द्वारा और ये देखिए अगर तल से ऊपर है तो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो तल से नीचे होगा और इस तरह से ट्रांस प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा और ये देखिए सिर्फ दो तरह के ऑप्शन नहीं है यहाँ पर एक ओनली वन एनाशमर जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है दोनों एनैश्यूमर नहीं दिखाए हैं देखिए कि अगर इस कार्बन से uh, पर आक्रमण होता uh, हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा लेकिन अगर उधर की तरफ से आक्रमण होगा तो uh, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही इनाइश्यूमर दिखाया हुआ है दो एन एन शुमर यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिखाए नहीं हुए हैं सिर्फ जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसके बारे में जनरल आइडिया के आ, ट्रांस प्रोडक्ट उत्पाद मिलेगा ट्रांस प्रोडक्ट हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा उसके ऊपर एम्फोसिस किया गया है दूसरी चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए दैट इज़ गिलमैन रिएजेंट लिथियम डाई ऑर्गेनो क्यूपरेट ये है गिलमैन रिएजेंट और गिलमैन रिएजेंट जो है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है किसमें अल्फ़ा बीटा अनसेचुरीटेड एल और कीटोन्स में तो यहाँ देखिए ये अल्फ़ा बीटा अन कीटोन दिया हुआ है और ये रहा गिलमैन रिएजेंट और गिलमैन रिएजेंट uh, ने देखिए ये बीटा पोजिशन पे ये रहा बीटा पोजिशन क्योंकि दिस इज ये है अल्फा और ये बीटा तो बीटा पोजीशन पे इसने यहाँ का जो मिथाइल ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है वो बीटा पोजीशन पे आके जुड़ जाता है तो ये साइक्लो हेग्जीनोन इनोन के बीटा पोजीशन पे देखिए एल्काइल ग्रुप लगा है और डबल बाउंड यहाँ से चला गया है तो ये एक गिलमैन रिएजन का जनरली ये रिएक्शन हम आ, आ, देखते हैं लेकिन हमें जो मालूम होना चाहिए कि गिलमैन रिएजन जो है वो इपॉक्साइड और एस क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करता है तो कैसे ये देखिए इड है और जहाँ से ये जो एल्काइल ग्रुप है वो इधर से नीचे से गया और रिंग जो है इधर से टूटी कुल मिला के जिस साइड में जिस साइड में इपॉक्साइड रिंग है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से मिथाइलेशन या एल्काइलेशन होगा और आप देख सकते हैं कि ये एल्काइलेशन यहाँ नीचे की तरफ है तो ओ या ऑक्सीजन ऊपर वाले प्लेन में है तो वो कुल मिला के इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक होगा और ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा तो दो चीज़ें हमने देख ली हैं एक तो एन बी एस का एडिशन ब्रोमीन का एडिशन डबल बॉन्ड में और जो न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल का सॉरी न्यूक्लियोफाइल का अटैक पीछे से और दूसरा नीचे की तरफ से या ऑपोजिट प्लेन से और हमने देखा है यहाँ मैन रिएजेंट जिसमें कि हम देख रहे हैं इसमें भी ट्रांस अटैक होता है तो ये दोनों बातें हमने ध्यान में रखी हैं हम अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो चार मार्क्स का क्वेश्चन है और देखेंगे कितनी आसानी से बिना हम डिटेल्ड जो मैकेनिज्म है उसके बारे में जाने हुए भी हम इसको कर सकते हैं तो देखिए एन दिया हुआ है और ये हमारा सबस्ट्रेट है ये देखिए सबस्ट्रेट की खासियत कि यहाँ पर जो है एक ग्रुप तल से उभर के आया हुआ है और उसमें ये तीन कार्बन जुड़े हुए हैं इस सेंट्रल कार्बन के Uh, साथ तो ये इस तरह से टर्शरी बीटर ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है जो तल से उभर कर ऊपर आया हुआ है तो पहला क्या हुआ है एन बी एस एन बी एस ने कहा इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन uh, किया करवाया और ये डबल बॉन्ड को एक बार uh, हम मानते हैं कि नहीं है एन बी एस के बाद यहाँ पर लगा ब्रोमो ग्रुप और ये प्लस चार्ज लेकिन ये जो एन बी एस है uh, वह बड़े साइज का मॉलिक्यूल है और इस जो कंपाउंड में जो सबस्ट्रेट हमको दिया हुआ है उसमें ये जो टर्शरी बिटाल ग्रुप है ये भी बल्कि ग्रुप है बड़ा ग्रुप है और जो प्लेन से ऊपर है तो ऐसे में जो एन आक्रमण करेगा या अप्रोच करेगा वो तल के ऊपर से तो नहीं करेगा वो तल के नीचे से करेगा और ब्रोमीन जो है तल के नीचे लगेगा क्योंकि तल के ऊपर बड़ा ग्रुप है तो पहला पोजीशन तो होगा ये नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक्वेस एन दिया हुआ है एक्वेस एन के साथ क्या हुआ है एक्वेस एन यानी ओ एच माइनस है इसके अंदर और उसने क्या किया नीचे से आ, ये आक्रमण नहीं कर पाएगा आ, क्योंकि यहाँ पर नीचे से आक्रमण नीचे की साइड में बी आर प्लस है तो ये ओ एच जो है हम जो मानते थे कि आ, नीचे से जहाँ पर ब्रोमो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसका मतलब ये जो है ऊपर से आक्रमण करेगा अगर ये ऊपर से आक्रमण करेगा तो हम क्या पाएंगे आइए देख लेते हैं हम पाएंगे कि ब्रोमो तो गया नीचे और ब्रोमो गया नीचे बी आर और उपर, ओ एच आया ऊपर ओ एच उसके बाद जो दिया हुआ है कि ये बेस है स्ट्रांग बेस ये हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो एक रिंग फॉर्मेशन होगा अब रिंग फॉर्मेशन कहाँ होगा देखिए मेकेनिज्म अगर हमें मालूम नहीं है तो ब्रोमो जोड़ा ब्रोमो जिस डायरेक्शन से जुड़ेगा ब्रोमो जुड़ेगा नीचे की तरफ से नीचे की तरफ से और उसके बाद इपॉक्साइड रिंग बनने के लिए जो ओएच का आक्रमण होगा वो होगा ऊपर की तरफ से यानी जब वो जो है ओ माइनस में परिवर्तित होकर होकरसाइड रिंग बनेगा तो वो रिंग भी ऊपर की तरफ से ही होगा क्योंकि ब्रोमीन जो है नीचे की तरफ से जुड़ा था क्योंकि ये बड़ा ग्रुप था इसलिए नीचे की तरफ से जुड़ा था तो पहला जो हमको यहाँ सीधे इन सब लॉजिक से समझ में आना चाहिए वो ये कि यहाँ जो डबल बॉन्ड के टूटने के बाद जो रिंग बनेगी ऑक्सीजन के साथ वो तल से ऊपर बनेगी इन चारों ऑप्शंस में हम देख लेते हैं कहाँ पर ये स्थिति है ये देखिए यहाँ ऊपर है यहाँ ऊपर है ये तल के नीचे है तल के नीचे से हो ही नहीं सकता तल के नीचे से तभी संभव है जब ब्रोमीन जो तल के ऊपर हो और ब्रोमीन तल के ऊपर से नहीं अटैक कर सकता क्योंकि तल के ऊपर बड़ा ग्रुप था तो उसका मतलब जो ऑप्शन टू और ऑप्शन फोर है ये कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास बचा ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री तो ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री बचे हैं अब आप देखिए कि एम ई टू सी यू एल आई तो ये क्या था ये गलमैन रिएजेंट है और अब हम देखते हैं कि इससे क्या बन रहा है आगे देखते हैं बहुत सिंपल है ये और वो ये कि मिथाइलेशन होगा गिलमैनस रिएजेंट के द्वारा तो मिथाइलेशन देखिए इस पर होगा या फिर इसपे होगा क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट तो यही है तो मिथाइलेशन के लिए ये जो एम ई है एम ई है वो कहाँ से आक्रमण करेगा तल के ऊपर से नहीं कर सकता क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड ओ जो ऑक्सीजन है तल के ऊपर है तो ये आक्रमण करेगा तल से नीचे से गिलमैन रिएजेंट उसका साइज भी बड़ा है तो इसलिए वो तल के नीचे से आके इस बॉन्ड पे जुड़ेगा हम देखते हैं कि तल के नीचे से कहाँ से जुड़ रहा है देखिए ये दो ऑप्शंस थे एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन तल के नीचे से जुड़ रहा है ये तल के ऊपर से जुड़ रहा है उसी साइड से जहाँ पर ऑक्सीन रिंग का सी डबल बॉन्ड ओ था तो उसी तरफ से तल के ऊपर से तो जुड़ नहीं सकता स्टेरिक इंडरेंस होगी संभव नहीं है तो बचा ऑप्शन वन जहाँ ये जो गिलमैन्स रीजन का जो मिथाइल ग्रुप है वो तल के ऑपोजिट ऑपोजिट टू ये सी डबल बॉन्ड ओ सी सिंगल बॉन्ड हो जो ऑक्सीन रिंग है उसके ऑपोजिट तल से इसने आक्रमण किया तो यहाँ जो सारा खेल था वो सिर्फ ये था कि कौन से तल से कहाँ स्टेरिक इंडरेंस कम है कहाँ जगह की धक्का मुक्की कम है रिपल्शन कहाँ कम है वहीं से इसमें एडिशन होगा और बॉन्ड बनेगा बहुत कोई लंबा चौड़ा मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं था बिना मैकेनिज़्म को वर्कआउट किए भी हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से है ताकि आपको तसल्ली रहे ये देखिए ये हमारा स्टार्टिंग स्टार्टिंग मटेरियल या सबस्ट्रेट था और इसमें ये बड़ा ग्रुप है जो तल से ऊपर है एन जो है वो अटैक करेगा फ्रॉम बिलो क्योंकि स्टेरिक इंटरेंस जो है ऊपर ज़्यादा होगी इसलिए ये नीचे से आक्रमण करेगा तो ब्रोमिन जो है वो नीचे से ऐड होगा अब उसके बाद जो ओवच है वो उधर से ही आक्रमण नहीं कर सकेगा जहाँ ऑलरेडी ब्रोमीन का रिंग है वो उसके तल के उल्टे जगह से ऑपोजिट डायरेक्शन से करेगा तो ये क्योंकि नीचे है इसलिए ये ऊपर से इसने इसका एडिशन हुआ ये ओ OH एच ग्रुप जो है इसमें से एच निकल जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस मीडियम में है और ये ओ माइनस में चेंज हो जाएगा और फिर देखिए ये ब्रोमीन नीचे है ये ओ OH एच ऊपर है जैसा था कोई चेंज नहीं आया बाकी मॉलिक्यूल में इसका न्यूक्लिफिलिक अटैक हुआ है सेंट टू और बी आर माइनस जो है निकल के चला गया और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना अगर ये ऊपर है तो जाहिर सी बात है वो नीचे से तो बॉन्ड बना नहीं सकेगा सो तो ये ऊपर ही ऊपर दोनों बॉन्ड्स बन जाएंगे उसके बाद जो है वो है किलमैन रिएजेंट वो भी साइज़ में बड़ा है स्टेरिकंडरेंस है इसलिए ये तल के ऊपर से जहाँ ये एक बड़ा ग्रुप है वहाँ से आक्रमण नहीं करेगा वो आक्रमण करेगा तल के नीचे से इसके ऑपोजिट और इस वजह से ये मिथाइल ग्रुप जो है नीचे से लगा एंड दिस वॉज द करेक्ट आंसर जो हमने अभी टिक किया था सो लेट्स टू नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन को करने से पहले हम जान लेते हैं रॉबिन्सन एन्यूलेशन जिसको रॉबिनसन एनीलेशन के नाम से भी पुकारा जाता है उसके बारे में कुछ बातें जब हमें इस तरह का कोई प्रोडक्ट सब सब या मॉलिक्यूल हमको दिखता है तो uh, जिसमें एक रिंग uh, है और इसके अंदर बीटा अनसेचूरेटेड कीटोन uh, है सिक्स मेम्बर ड्रिंग है और अल्फा बीटा अनसेचूरेटेड कीटोन है तो हमें सोचना चाहिए कि क्या इसमें रॉबिनसन एनुलेशन हुआ और हम उसको वर्क कर सकते हैं वर्कबैक कर सकते हैं रेट्रोसिंथेसिस या डिसकनेक्शन एनालिसिस जिसे कहते हैं रेट्रो एनालिसिस या के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं देखिए एक ये नया बॉन्ड बना हुआ है और एक ये नया बॉन्ड जो ब्लैक से दिखाया हुआ है और ये जो uh, हुआ है वो एल्डोल कंडेंसेशन इसके एल्डोल कंडेंसेशन से हमको ये मिला है और ये कहाँ से मिला है ये हमको मिला है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन और इस तरह के कीटोन से इन दोनों के बीच में माइकल एडिशन हुआ तो हमें ये मिला और फिर इसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन इस हिस्से और इस हिस्से के बीच में हुआ तो हमको ये रिंग फॉर्मेशन मिली एन्यूलेशन इसी को कहते हैं यानी रिंग फॉर्मेशन और यानी रॉबिन्सन एनुलेशन जो है वो माइकल रिएक्शन और एल्डॉल कंडेंसेशन दोनों मिला के जब रिंग फॉर्मेशन करते हैं उसको कहते हैं हम रॉबिनसन एनुलेशन आइए देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रॉबिन्सन एनुलेशन जो है वह होता है एक कीटोन जैसे ये हमने कीटोन लिया और मिथाइल विनाइल कीटोन ये रहा मिथाइल विनाइल कीटोन तो एक कीटोन और मिथाइल विनाइल कीटोन का रिएक्शन करवाया बेस की उपस्थिति में जब एक बार माइकल एडिशन होता है और फिर एल्डोल कंडेंसेशन होता है जिससे कि हमें एल्फ़ा बीटा अनसैचुरेट साइक्लोहेक्सेन का कीटोन मिलता है ये देखिए पहला कार्बन एल्फा दूसरा बीटा एल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ये साइक्लोहेक्सिनोन हमको प्राप्त हुआ है रॉबिन्सन एनुलेशन के वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ रॉबिसन एडिडेशन तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि दिमाग में ये चीज़ अच्छी तरह से बैठे देखिए कि ये है एक आ, रिंग दिया हुआ है उसके अंदर सी डबल बॉन्डो कीटो साइक्लिक कीटोन है और ये है मिथाइल विनाइल कीटोन और बेस के प्रजेंस में माइकल एडिशन हुआ आप देख सकते हैं कि ये जो चौथा कार्बन है यानी विनाइल कार्बन वो यहाँ आके इस पोजीशन पे जो कि कीटो ग्रुप के अल्फा पोजीशन है उस पे आके ये एड हुआ है फिर इसका एल्डोल कंडेंसेशन हुआ एल्डोल कंडेंसेशन भी बेस के प्रेजेंस में होता है और इस एल्डोल कंडेंसेशन में जो ये जो मिथाइल ग्रुप था उसका एक हाइड्रोजन लूज होता है बेस को और सी माइनस के रूप में ये आक्रमण करता है इस वाले ग्रुप को और जिससे जो रिएक्शन होता है वो है एल्डोल रिएक्शन और आप देख सकते हैं ये जो ग्रुप है वो ओ OH एच में परिवर्तित हो गया और जब इसमें से वाटर यानी यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ओ OH एच ये जो एलिमिनेट हो जाते हैं तो हमको इस तरह से एल्फा बीटा अन कीटोन और वो भी कैसा साइक्लिक कीटोन जो कि माइकल एडिशन और एल्डोर कंडेंसेशन दोनों को मिला के जिसे कहते हैं रॉबिनसन एन्यूलेशन उसकी वजह से हमें प्राप्त होता है ध्यान दीजिए कि यहाँ जहाँ पहले C डबल बॉन्ड O था वह अब C डबल बॉन्ड C में चेंज हो गया है और जो हमने कीटोन अल्फा बीटा मिथाइल विनाइल कीटोन जो हमने लिया था मिथाइल विनाइल कीटोन का जो C डबल बॉन्ड O है वो यहाँ पर एज सच है उसमें चेंज नहीं हुआ है इस बात को आपको ध्यान में रखना है तो हमने क्या चीज़ें ध्यान में रखी हैं जो कीटोन सॉरी जो कीटोन यहाँ पर हमने लिया था उसके वह फाइनल प्रोडक्ट में किस रूप में मिलता है जहाँ डबल बॉन्ड था सी डबल बॉन्ड ओ था वहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी हो गया है और जो हमने मिथाइल विनाइल कीटोन लिया था उसका जो सी एच थ्री था वो सी एच टू के सी एच के रूप में यहाँ पर आया है पहले सी एच टू के रूप में यहाँ पर आया था ये देखिए और उसके बाद जब डिहाइड्रेशन होता है तो सी एच में वो परिवर्तित हो जाता है तो ये सी डबल बॉन्ड हो ये सी सी बॉन्ड में परिवर्तित हो गया और जो ये कीटो ग्रुप था मिथाइन मिनाइल कीटोन का उसमें कोई चेंज नहीं आया वो फाइनल प्रोडक्ट में ऐसे ही है और ये रिंग कहाँ बनी है एक और बात ये रिंग वहाँ बनी है जहाँ पहले कीटो ग्रुप था उसके ऑर्थो पोजिशन पे और उस कीटो ग्रुप पे ये रिंग बनी है तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है और देख लेते हैं मैकेनिज्म को ताकि दिमाग में बात अच्छी तरह से बैठे फिर मैं कह रही हूँ आपको रिपीट करके कि मैकेनिज्म को अपने को एम जब हम सॉल्व कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उस वक्त हमको ज़्यादा जो प्रैक्टिस या लिख कर ट्रायल एंड हिट मेथड जो है वो नहीं करना है पहले ही हमको तैयारी कर लेनी है और उस वक्त हमको सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में रहेगी और उसको देखकर हम एकदम पता कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा तो ये आप मत सोचिएगा कि तब हम प्रैक्टिस करके निकाल लेंगे तब हम ट्राई करके निकाल लेंगे एग्जामिनेशन के दौरान जितनी प्रैक्टिस करनी है वो घर पे रफ़ कॉपी पे या नोट्स की कॉपी में आप करें तो शुरू करते हैं हम ये रहा साइकिल की टोन लिया हुआ है और बेस लिया हुआ है और इस बेस ने इस प्रोटोन को एब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पर सी माइनस हुआ चार्ज डिस्प्लेस हुआ ई टी ये ओ माइनस में और फिर दोबारा आप देख सकते हैं कि चार्ज सी माइनस यहाँ पर आ गया है यहाँ शिफ्ट होकर और ये जो ज, जैसे ही ये सी माइनस हो जाता है न्यूक्लियोफाइल हो जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसने अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन के यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे वन फोर एडिशन पे चौथे पोजीशन पे इसने न, आ, किया है बीटा पोजीशन पे आक्रमण तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ, ये नया बॉन्ड बना है ये देखिए ये नया बॉन्ड बना है ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर एज सच बिना कि, किसी चेंज के है ये पोजीशन कौन सी हुई जो सी डबल बॉन्ड ओ था यहाँ पर उसके ऑर्थो पोजिशन पर ये सी डबल सी सिंगल बॉन्ड सी नया अब बना और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से शिफ्ट था तो वो माइनस आ गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ पर सी एच टू हो गया है दोबारा और सी डबल पॉन्ड ओ वापस यथास्थिति जैसे पहला था वैसे आ गया है सी डबल पॉन्ड ओ नाउ ये जो बेस था वह इस सी एच डी प्रोटोन में से एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है निकाल लेता है और ये सी uh, जो कार्बन है वो सी माइनस में चेंज हो जाता है और देखिए इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट इन्होंने दिखाया है और इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट दिखा के इन्होंने दिखाया है सी डबल बॉन्ड यहाँ सी ओ ऑक्सीजन के ऊपर ओ माइनस और आप देख सकते हैं कि असलियत में ये है कि यहाँ जो माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हुआ था उस नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बनाइल ऑक्सीजन कार्बोनाइल कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन न्यून है क्यों क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन के जाने पर यहाँ जो नेगेटिव चार्ज या इस जगह पे इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आया था देखिए इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आया था उसी कार्बन को यहाँ पर दिखाया गया है बस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की वजह से यहाँ पर ओ माइनस है लेकिन ये फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर सी माइनस हो गया ये सी माइनस ने इस सी प्लस पर आक्रमण किया यहाँ नया सी सी बॉन्ड बना है ये वाला तो दो सी सी बॉन्ड बन गए एक ये और एक ये और आप देख सकते हैं इसका जो साइक्लाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया आ, ये जो अटैक था दैट वाज माइकल एडिशन और जो यहाँ हुआ है दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन तो ये माइकल एडिशन था ये एल्डोल था ये दोनों रिएक्शंस यहाँ पर हुए हैं और फिर यहाँ पर ओ माइनस है इस जगह पे इसलिए यहाँ पर इसका दोबारा प्रोटोन गेन करता है ये और ओ OH एच में कन्वर्ट हो जाता है और ओ OH एच में कन्वर्ट होती है देखिए ये सी डबल बॉन्ड ओ जहाँ पर इनिशियली था वहाँ पर अब ओ OH एच आ गया है और वो साथ वाले कार्बन से वाटर लूज़ करता है क्योंकि जो बेस है वो इस प्रोटोन को ले गया और जिसकी वजह से ओ माइनस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है चार्ज और वो फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को धकेलता हुआ ओ OH एच को एज़ ओ एच माइनस निकाल लेता है तो पहले इसका निष्कासन हुआ एच का एलिमिनेशन यहाँ से हुआ एंड आफ्टर दिस एच इज़ एलिमिनेटेड देन दिस ओ माइनस दिस किक्स इट आउट इसको धक्का मार के ओ एच OH को इसने यहाँ से निकाल दिया एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू कैन से दैट एच ओ एच वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ एंड ए डबल बॉन्ड इज क्रिएटेड तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अल्फा अन सेचुरेटेड ये साइक्लोहेक्गजेनोन का डेरेवेटिव हमको प्राप्त हुआ है फिर वही चीज़ है ये सी डबल बाउंड ओ की जगह पे वहाँ पर अब सी सी आ गया है और यहाँ जहाँ सी डबल बाउंड ओ था उसके ऑर्थो पोजिशन पे ही रिंग फॉर्मेशन और उस कार्बन पे रिंग फॉर्मेशन हुआ है सो वी विल कीप दीज इन्फॉर्मेशन इन माइंड तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन तो ये जो जितनी नॉलेज थी वो हमें हमने जब पढ़ाई की है या तैयारी की है एग्जामिनेशन के लिए तब हमारे पास वो नॉलेज थी अब हमारे पास ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले जो है क्वेश्चन और आंसर के ऑप्शन में क्या चेंज है उसको एक बार नोट कर लेना चाहिए तो हमने देखा देखा कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है जो कि एक साइक्लिक रिंग में है यहाँ पर मिथाइल विनाइल कीटोन है यहाँ पर एस दिया हुआ है और यहाँ एक रिंग फॉर्मेशन सभी में है तो चेंज इन में क्या क्या है हम देख लेते हैं जो सबसे बड़ी चेंज आ रही है नज़र में इन चारों ऑप्शन में ये सेवन मेम्बर्ड रिंग्स हैं और इसमें दोनों सिक्स मेम्बर्ड रिंग्स हैं पहली बात दूसरी बात ये जो हमने नोटिस किया कि जो ये सिक्स मेंबर रिंग्स हैं उनमें आपस में क्या चेंज है आपस में एक बार मिथाइल ग्रुप ऊपर है मिथाइल ग्रुप नीचे है इन दोनों में आपस में क्या चेंज है इन दोनों में भी आप देखिए कि ये अबव ये बिलो देन दिस इज बिलो एंड दिस इज अबव ये करके स्टीरियो केमिस्ट्री में चेंज है तो जैसे ही हमने ये देखा साइक्लिक कीटोन और हमने देखा अल्फा मिथाइल विनाइल कीटोन तो उसका मतलब रॉबिन्सन एनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एकदम से आ गई बात तो सिक्स मेंबर रिंग हो सकता है सेकेंड हमारे पास रिएजेंट है सिक्स मेंबर रिंग ही बनेगा इनिशियली ये हमने अपने दिमाग में रख ली बात देन सिक्स मेंबर रिंग बनने के बाद सिक्स मेंबर रिंग तो किस तरह से बनेगा सिक्स मेंबर रिंग जो है हमने देखा था कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो डबल बॉन्ड ओ की सी डबल बॉन्ड ओ की जगह वो सी डबल बॉन्ड सी में परिवर्तित हो जाएगा पहली चीज़ तो हम ये जानेंगे दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि जैसे अगर ये मिथाइल ग्रुप है और ये बड़ा सा विनाइल ग्रुप आ रहा है तो मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला के तो अगर हम इसको ड्रा करें एन्यूलेशन के बाद तो हम ये देखेंगे कि यहाँ सी डबल बॉन्ड सी हो गया है आ, ये बाकी रिंग है यहाँ पर ये तल से उभरे हुए तल से उभरे हुए इसमें टर्शरी बिटाल ग्रुप ये है जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी हुआ है तो ये इस तरह से होगा और देन देर विल बी अ मिथाइल ग्रुप तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर कहीं पर होगा तो इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे पास आ, आ रही है ये देखिए सॉरी मिथाइल ग्रुप इज़ नॉट हियर ये यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी है तो मिथाइल ग्रुप हमारे यहाँ पर आ रहा है और आ, क्योंकि अब हमने लॉजिक लगाया क्योंकि ये बड़ा है और यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है वो तल के नीचे है तो ये जो रिएजेंट है तो बिलो द प्लेन तो आके अटैक करेगा नहीं ये बड़ा ग्रुप यहाँ पर टर्शे बिटाइल ग्रुप हमने लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप है वो तल के ऊपर आएगा क्योंकि ये जो मिथाइल विनाइल कीटोन है जिसके इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा मिथाइल विनाइल कीटोन का मिथाइल कार्बन ये था और फिर ये 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 इसका विनाइल कार्बन है तो कुछ ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो जगह डबल बॉन्ड ये होना चाहिए तो हमने देखा कि मिथाइल ग्रुप तल से ऊपर होना चाहिए तल से मिथाइल ग्रुप ऊपर है कहां पर है वो ढूंढ लेते हैं देखिए तल पे मिथाइल ग्रुप ऊपर यहां पर है और यहां पर है ठीक और ये जो है सी डबल बॉन्ड सी है ये सी डबल बॉन्ड सी है ये सी डबल बॉन्ड सी इस सी डबल बॉन्ड ओ से आया है तो आ, ये मिथाल ग्रुपथाल से ऊपर है तो उसका मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होगा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एक और फ्लू दिया हुआ है इसके अंदर देखिए कि एच सी एल जुड़ा हुआ है और ये जो रिंग है वो टूटा हुआ है उसका मतलब ये रिंग जो है वो इस एसिड की वजह से टूटा है और क्लोरो ग्रुप के ऐड होने से टूटा है तो एसिड अगर जुड़ रहा है तो एच प्लस जुड़ रहा है और सी माइनस सी एल माइनस जुड़ रहा है तो उसका मतलब पहले कहीं कार्बोनियम आयन बना था और कार्बोनियम आयन बनने पर यानी हाइड्रोजन ने किसी कार्बन पर आक्रमण किया होगा कार्बोनियम आयन बना होगा तो कार्बोनियम आयन जब बनता है उस सी प्लस में सी एल माइनस ने आके ऐड किया है तभी जाके हमें ये सी सी एल बॉन्ड जो है वो प्राप्त हुए हैं अब सी 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 एल जो है कहाँ जुड़ा है यहाँ पर यहाँ जुड़ा है तो उसका मतलब यहाँ पर पहले एक प्लस चार्ज था तो ये कैसा है ये मोटा सा अपने तल से निकला हुआ एक ग्रुप ये ग्रुप यहाँ पर और एक यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज जिसपे कि सी एल माइनस आके जुड़ा है यहाँ हम देख लेते हैं ये तो इसकी बात हम कर रहे हैं और आ, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ देख सकते हैं कि सेवन मेंबर रिंग है तो ये यूं करके है कार्बन उसके ऊपर प्लस चार्ज जुड़ा है उसके आगे उस पर आकर ग्रुप क्लोराइड आयन के जोड़ा है अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं ये है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन ये है टर्शरी कार्बोनियम आयन आपको बहुत अच्छे तरह से मालूम है कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो है लेस स्टेबल है स्थायित्व कम है टर्शरी कार्बोनियम आयन का स्थायित्व ज़्यादा है कौन सा बनेगा टर्शरी कार्बोनियम आयन बनेगा टर्शरी कार्बोनियम आयन बनेगा तभी जाके सी एल यहाँ तो हमने देखिए रिएक्शन वर्कआउट नहीं किया हमने सिर्फ लॉजिक लगाया है तो आप देख सकते हैं कि आंसर कौन सा करेक्ट हुआ आंसर ये करेक्ट है क्योंकि इसमें यह जो सी एल है टर्सरी कार्बनियम में जुड़ा है ये जो है वो सेकेंडरी कार्बनियम में जुड़ा है तो रिंग ओपन रिंग एक्सपेंशन यानी छः नंबर छः सदस्य सिक्स मेंबर्ड रिंग से सेवन मेंबर्ड रिंग में रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा क्योंकि टर्शरी कार्बोनियम माइनस मोर स्टेबल वो बनेगा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ये जब आके जुड़ेगा इसका जब एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो नीचे से आके जोड़ेगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है और तल के ऊपर एक बड़ा ग्रुप भी प्रेजेंट है तो तल के ऊपर से ये जो मिथाइल विनाइल कीटोन है वो अटैक नहीं करेगा तल के ऊपर यहाँ बड़ा ग्रुप है यहाँ एक मिथाल ग्रुप है इट विल अटैक फ्रॉम बिलो तो इस वजह से जो सी एच थ्री ये है वह ऊपर की तरफ आएगा दूसरी बात है एच सी एल का एडिशन हुआ वो टर्शरी कार्बोनियम सॉरी वो टर्शरी कार्बोनियम आयन में एड होगा ना कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में तो ये गलत ये गलत ये गलत दिस इज़ द राइट ऑप्शन सो इस तरह से हम पहुँचे हैं आइए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म देखिए आप अगर वीडियो को आपने पसंद किया या आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके जो लाइक्स हैं और जो आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो हमको और वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं अदरवाइज़ हमारा उतना मन नहीं करता कि वीडियोस बनाएं हमें अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे सो so, हम जान लेते हैं इसी रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म खोलकर देखिए ये के से शुरू हुआ है यहाँ पर और ये हाइड्रोजन जो है उसका लॉस हुआ है एच प्लस यहाँ से निकल गया है और जो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट इस तरह से हुआ तो ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है ये मिथाइल विनाइल कीटोन जो कि बेस के प्रेजेंस में हो रहा है एडिशन वन फोर एडिशन हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस चार्ज आया है और ये फोर्थ uh, जो कार्बन uh, है वन फोर एडिशन का ये वन इज़ ऑक्सीजन एंड फोर इज़ दिस कार्बन कार्बनइल कार्बन नंबर टू है तो वन फोर एडिशन इस तरह से इसमें हुआ है और ये जो एडिशन हुआ है वो बिलो द प्लेन जाके हुआ है तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये जो मिथाइल ग्रुप है ये जो तल के नीचे था प्लेन बिलो द प्लेन था अब वो बिल अबव द प्लेन आया है क्यों क्योंकि अबव द प्लेन एक बड़ा ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इतना बड़ा सा ग्रुप आपके ऊपर से नहीं जोड़ना चाहता नहीं जुड़ सकता ईजी नहीं रहेगा रिपल्शन रहेगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ओ माइनस चार्ज हो गया था इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट की वजह से इसका प्रोटोनेशन होगा और ये प्रोटोनेशन और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्टिंग से C डबल बॉन्ड हो दोबारा आ गया यहाँ पर सी एच टू हो गया है और इधर देख सकते हैं कि दिस इज़ मिथाइल ग्रुप हमने ये देखा कि जो आ, कीटो ग्रुप था उसके ऑर्थोप्या के आ, ये जो माइकल एडिशन हुआ है आ, हम देखते हैं कि इसके बाद आ, बेस आया और इस जो एसिडिक प्रोटोन है उसको निकाल कर ले गया यहाँ से माइनस क्रिएट होता है और चार्ज का शिफ्ट होकर इस तरह से ओ माइनस पे ये चार्ज शिफ्ट हुए और ओ माइनस यहाँ पर बना लेकिन फिर चार्ज का शिफ्ट हुआ ताकि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और ये जो कार्बन है ये जो कार्बन है इस कार्बनल कार्बन पर इसलिए आक्रमण करेगा क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इन दोनों ने बॉन्ड बनाए तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो नया बॉन्ड है ये देखिए ये नया बॉन्ड है वो अब बना है इस मिथाइल जो पहले मिथाइल था वो यहाँ आ गया है इस जगह पे आ गया है ये जो पहले यहाँ मिथाइल था और ये वाला सी एच टू जो है वो ये है ये वाला सी एच टू ये है और उसके बाद ये डबल बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड वो ये रहा तो इस तरह से एन्यूलेशन हुआ और ये जो कंडेंसेशन है वो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है ये रिंग फॉर्मेशन हो गई रिंग यानी एन्यूल तो रॉबिन्सन एन्यूलेशन कंप्लीट हुआ फिर इसका प्रोटोनेशन हुआ तो ओ माइनस जो है वो ओ एच में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें से वाटर इसमें से निकलेगा जो पूरा मैकेनिज्म है वाटर के निकलने का बेस के प्रेजेंस में जो कि पहले यहाँ से ये यह जो पूरा मैकेनिज्म है बेस के प्रेजेंस में उसको पहले दिखाया गया आप इसको सिंपली यहाँ पर वाटर यहाँ से निकाल लें इस वक्त और आप देख सकते हैं कि ये हमको प्रोडक्ट हमको मिला अल्फा पीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन प्रोडक्ट अल्टीमेट ऑफ रॉबिन्सन रिएक्शन एनिलेशन रिएक्शन अब हमने इसका रिएक्शन करवाया एच सी एल से तो ये प्रोटोनेशन ऑक्सीजन का हुआ ओ प्लस हुआ आप देख सकते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई इसने साइड से खींचा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये सी सी बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड एक और आया नोट कीजिए कि यहाँ से कोई कार्बन जाके यहाँ नहीं आया है इस जगह पे तो सिर्फ सी सी बॉन्ड शिफ्ट हुआ है ये वाला कार्बन अपनी जगह पे है ये दोनों मिथाल ग्रुप्स अपनी जगह पे हैं कोई कार्बन शिफ्ट नहीं हुआ सिर्फ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए हैं जिसकी वजह से इस कार्बन पर जो कि अब इसमें चेंज हो गया है उसमें एक प्लस चार्ज आ गया है आप ही कह सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड ना शिफ्ट करें इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करें इस वाले बॉन्ड को भी शिफ्ट कर सकते थे इस वाले बॉन्ड को अगर यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को अगर हम शिफ्ट करते तो ये सिचुएशन आती जो सात सदस्य वाले की संरचना या सेवन मेंबर रिंग जो है वो फॉर्मेशन हुआ लेकिन सेवन मेंबर रिंग फॉर्मेशन होते ही जो प्लस चार्ज आएगा वो इस वाले कार्बन पर आएगा इस वाले कार्बन पर जो कि यहाँ पर दिखाया गया है एंड दैट विल बी ए सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन सो कार्बोनियम आयन या कार्बीनियम आयन जैसे कहते हैं आजकल तो यहाँ पर बना है आपके टर्शरी कार्बेनियम आयन यहाँ बना है आपके सेकेंड्री कार्बिनियम आय दिस इज़ लेस स्टेबल इट विल नॉट बी फॉर्म नहीं बनेगा और ये बनेगा और उसके बाद बड़ा सिंपल है सी एल माइनस जो है आके इस सी, आ, प्लस में आके जुड़ेगा तो ये वाला प्रोडक्ट हमको बनेगा जो कि हमने यहाँ बना के दिया है आपको ऑप्शन में आंसर हमने निकाला है तो आ, हम देख सकते हैं कि पूरा वर्कआउट किए बगैर भी हम सिर्फ अपना दिमाग लड़ा लें इंफॉर्मेश्स को हम अपना जो है उसको प्रोसेस uh, करें अपने दिमाग में जो अपने इन्फॉर्मेशन हमने रख रखे हैं और बिना पूरे रिएक्शंस को लिखे दो तीन लकीर खींच के ही हम आंसर तक फट से पहुंच सकते हैं आई होप दैट यू हैव लाइक्ड द वीडियो इफ यू हैव liked इट पुट सम लाइक्स एंड गुड कमेंट्स थैंक यू फॉर बींग विथ मी